प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओमटेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मुंबई डिवीजन के मध्य रेलवे के दिवा और ठाणे के बीच पांचवी और छठी रेलवे लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। आइए मित्रों, हम सफर करते हुए पांचवी और छठी रेलवे लाइन का नज़ारा देखते हैं और उसके बाद हम मुंब्रा में पहाड़ों पर स्थित मुंब्रा देवी का दर्शन करेंगे। बाइक पर है ना।
मित्रों, अब हम मुंब्रा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहां पर पहले केवल दो प्लेटफार्म हुआ करते थे। पांचवी और छठी रेलवे लाइन बनने के बाद अब यहां पर चार प्लेटफार्म बन गए हैं। आइए मित्रों, अब हम मुंब्रा देवी का दर्शन करने चलते हैं और इस मंदिर से जुड़ी जानकारी भी लेते हैं। मुंब्रा यह मुंबई डिवीजन के सेंट्रल रेलवे के उपनगरीय मार्ग पर ठाणे शहर के पास एक स्टेशन है। यह जगह मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मुंब्रा में खाड़ी होने के कारण 17वीं शताब्दी में मुगल काल में शिपयार्ड का बिजनेस यहाँ पर फल फूल रहा था। आगरी कोड़ई समाज की देवी मुंब्रा देवी के नाम पर इस गाँव का नाम मुंब्रा रखा गया। यह मंदिर मुंब्रा के भगत परिवार द्वारा बनाया गया था और उनके वंशज अभी भी शहर में रहते हैं। मुंब्रा 17वीं सदी के दौरान आगरी कोड़ई बांधवों का एक छोटा सा गांव था। उनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना था। कालांतर में रोजगार के लिए मुंबई आने वालों की संख्या बढ़ने लगी और लोगों ने मुंबई के आसपास बस्तियां बसाना शुरू कर दिया और यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। मुंबई पुणे बाईपास से गुजरते समय और मुंबई की तरफ जाने और आने वाले ट्रेन जब मुंब्रा से गुजरती है तब गाड़ी में बैठे बैठे ही दूर से ही मुंब्रा देवी का मंदिर पहाड़ी पर नजर आता है। बहुत से लोग गाड़ी में बैठकर ही मां के दर्शन करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मां के भक्त सारी सीढ़ियों पर कपूर जलाते हैं और हल्दी कुमकुम लगाते हैं। माँ मुंब्रा देवी की आरती सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे घंटानाद, शंखनाद और ढोल आदि बजाकर आरती की जाती है। यह आरती लगभग 15 मिनट की होती है। यहाँ पर नवरात्रि के समय माता के 9 मूर्तियों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। मुंब्रा देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था भक्ति का बड़ा केंद्र है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ पर माँ मुंब्रा देवी का भव्य मंदिर है। करीब 1500 फीट ऊंचाई पर विराजमान मुंब्रा देवी के प्रति लोगों की आस्था है कि यहां आने पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर की देखरेख भगत परिवार वर्षों से करते आ रहे थे। मंदिर पर जाने के लिए बीच पहाड़ से होकर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसमें करीब 780 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह मंदिर 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाते समय बीच रास्ते में एक हनुमान मंदिर और सात आसरा देवी का मंदिर पड़ता है। सात आसरा देवी के मंदिर के पास से ही झरने का पानी बहते रहता है।
मुंब्रा देवी मंदिर के अंदर भव्य सभा मंडप है और गर्भगृह में माता की भव्य मूर्ति है। माँ मुंब्रा देवी की आरती सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे घंटानाद, शंखनाद और ढोल आदि बजाकर आरती की जाती है। यह आरती लगभग 15 मिनट की होती है। यहाँ पर नवरात्रि के समय माता के 9 मूर्तियों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। माता के मूर्ति के नीचे नव दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं और बाजू में ही गवली दादा का मंदिर है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। मित्रों, इस तरह से हमने दिवा और ठाणे के बीच बने नए 5वें और 6ठे रेलवे लाइन का नज़ारा देख लिया और माता मुंब्रा देवी के भी दर्शन कर लिए हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।